और वहीं कानपुर शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हिंदू जागरण मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की कि इन ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। मांग को लेकर के हिंदू जागरण मंच ने बड़े चौराहे से लेकर के कलेक्टर तक रैली निकाली और जिला अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा। ज्ञापन देने के बाद हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल यादव ने बताया कि जाजमऊ स्थित राजा ययाति का किला, जो टीले में परिवर्तित हो चुका है, उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया है और अवैध धंधे भी संचालित किए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग इस पौराणिक धरोहर को कब्जा मुक्त कराए और इसकी सुरक्षा के साथ इतिहास को सजेने में अहम भूमिका भी निभाए। यहाँ पे ज्ञापन देने का ये था, मतलब क्योंकि हमारे देश की धरोहर जो राजा ययाति का किला है, उस पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको वहाँ से रिहा करवाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी हिंदू जागरण मंच ने ली है और उसको हमें रिहा करवाना है और उस पर हम लोग विशेष रूप से काम करना चाहते हैं और उसको रिहा करवाना चाहते हैं। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब का ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें, उन्होंने कहा है बहुत जल्दी आपके इस कार्य में कार्रवाई करी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।